और अब अगली खबर लोकसभा चुनाव की एक ऐसी उम्मीदवार से जुड़ी जो बहुत चर्चा में है और वो कुख्यात तस्कर वीरप्पन की बेटी हैं। जी हाँ, इस बार आपको लोकसभा चुनाव में वीरप्पन परिवार भी चुनावी मैदान में दिखेगा, क्योंकि वीरप्पन की बेटी विद्या वीरप्पन चुनाव लड़ने जा रही हैं। लोकसभा चुनाव में वीरप्पन की एंट्री। पिता तस्कर, बेटी बनेगी सांसद। नब्बे के दशक का सबसे खूंखार तस्कर, जिसके पीछे कई राज्यों की पुलिस थी, जिसके नाम पुलिस से लेकर जंगल के अधिकारियों के अपहरण और मर्डर के मामले थे, उसका नाम था वीरप्पन, जो कि दक्षिण भारत के जंगलों का सबसे बड़ा और सबसे खूंखार तस्कर था, जिसके ऊपर सैकड़ों लोगों की हत्या, हजारों शिकार और 140 करोड़ से ज्यादा की चंदन तस्करी का आरोप था। वीरप्पन का खौफ तो उसकी मौत के साथ खत्म हो गया, लेकिन अब लोकसभा चुनाव में एक वीरप्पन आपको नजर आने वाली है। वो है वीरप्पन की बेटी विद्या रानी वीरप्पन। और बकायदा चुनाव प्रचार में वीरप्पन की तस्वीरें इस्तेमाल की जा रही है। तमिलनाडु के कृष्णागिरी में लोगों के घर घर जाकर वोट मांगती विद्या रानी वीरप्पन अपने साथ कुख्यात तस्कर वीरप्पन की फोटो लगे पोस्टर तक लेकर चल रही है और लोगों से खुद को वोट देने की अपील कर रही है। वीरप्पन की बेटी के मुताबिक उन्होंने अपने पिता से प्रेरणा ली है। My dad is a backbone and inspiration of my thought to serve the people. My thinking about the public, my understanding about the public, and my firmness and the will to stand for the growth of the society is from my dad. I have taken it from my dad. Vidya Rani पेशे से वकील है। वह एक एक्टिविस्ट भी है और आदिवासियों और दलितों के हित के लिए काम कर रही है। विद्या रानी कृष्णागिरी में बच्चों का स्कूल भी चलाती है। विद्या रानी एनटीके पार्टी से चुनाव लड़ने वाली है। इससे पहले विद्या बीजेपी से जुड़ी थी। बीजेपी में शामिल होने के बाद उन्हें बीजेपी यूथ ब्रिगेड में उपाध्यक्ष बनाया गया था, लेकिन हाल ही में उन्होंने बीजेपी छोड़ दी। विद्या के मुताबिक उनके पिता लोगों के लिए जो भी हों, लेकिन वो अपने पिता वीरप्पन से अपनी जिंदगी में सिर्फ एक बार ही मिली थी और उनके मुताबिक वो अपने पिता के जीवन के पॉजिटिव साइड लेकर चुनाव लड़ना चाहती हैं। Was misguided to the situation because of the government that has been prevailing in that time, where they failed to give all the basic needs needed to the citizens of their country. But my dad tried to serve the people around, tried to save everyone around, be a guardian for everyone. I just wanted to neglect the negative part of his life because that was forced into his life. कुख्यात तस्कर वीरप्पन 2004 में तमिलनाडु पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स के साथ मुठभेड़ के दौरान मारा गया था। उस पर 2000 से ज्यादा हाथियों के शिकार का भी आरोप था। वीरप्पन को कई दशकों तक पकड़ा या मारा नहीं जा सका था, जबकि कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल की पुलिस उसके पीछे लगी हुई थी। वीरप्पन ने अपने जीवन में 184 लोगों की हत्या की थी, जिसमें से ज्यादातर वन विभाग और पुलिस के कर्मचारी थे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।